हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो का 8वां भाग है। और अगर आप लोग बाकी पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो उसको आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग अगर ऐसी वीडियो को आप लोग देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर आगे भी अपलोड किए जाते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, ओके। एंड लाइक दिस वीडियो आल्सो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। और अपने फ्रेंड्स को भी आप इसको ज़रूर से शेयर कीजिए ग्रुप में, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का स्टूडेंट, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है? घटता है, ओके। ऑक्सीन एक प्रकार का हार्मोन होता है, प्लांट्स हार्मोन होता है, ठीक है। सेल में ऊर्जा स्टोर रहती है एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण, ओके। ईसीजी का प्रयोग, ये जो आपका ब्रेन होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का फुल फॉर्म है, ये ब्रेन की जांच के लिए होता है। घेंघा रोग थायराइड ग्लैंड के बढ़ने के कारण होता है। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बनती हैं बैक्टीरिया से। लीवर जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित रखता है। कानों की कुल हड्डियों की संख्या होती है 6। पौधे का प्रजनन अंग है फूल। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति RBCs के माध्यम से होती है, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये ब्रेन में होता है। और कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च एवं शर्करा शुगर आते हैं। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? तो पत्ती, ठीक है। सिनको प्रकाश संश्लेषण किस भाग में, किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है? तो ये लाल प्रकाश में सबसे तेज होता है। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने के बने हुए घेरों को गिनकर। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। खारे पानी में पैदा होने वाली पौधों को हैलोफाइट्स कहा जाता है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में यूज़ किया जाता है, ओके। संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेक्सिया, और रेफ्लेक्सिया होते हैं, ये गलत लिखा गया है, ठीक है, ये रेफ्लेक्सिया होता है, ओके। तो ये होगा फाइकोलॉजी, ये इसमें शैवाल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। और प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाए जाते हैं किसमें? सोयाबीन में। तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अफीम पौधे फूल से प्राप्त किए जाते हैं, पौधे के भाग से। और पौधों में ट्रांसपिरेशन एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने, ओके। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं एम.एस. स्वामीनाथन। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट्स कहते हैं। खरीफ के मौसम का समय है जून से सितंबर। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। फूल गोभी का खाने योग्य पदार्थ पुष्पक्रम है। सबसे बड़े फूल होते हैं रेफ्लेक्सिया के। द्विकल रोग ये नींबू में होता है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में सेकंड यानी दूसरा स्थान है। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है? तो वो है गेहूं का। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य है केरल। रेड रॉट रोग ये गन्ने के फसल का है। और भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? धान का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुना पारी। मुर्राह ये भैंस की पालतू नस्ल है। सर्वाधिक पशुधन ये यूपी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है? ये कैसीन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। किसके दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा होती है? तो ये रेंडियर। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बकरी है। विश्व की दूध की रानी
किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो ये सानेन को कहा जाता है। एपिकल्चर किससे संबंधित है? तो ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। भारत डेयरी निगम का स्थापना हुआ है 1970 ईस्वी में। नीली क्रांति ये संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। रानी खेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ओके, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। अगला है, जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान जो होता है स्थिर रहेगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घटेगा। वायुमंडल दाब ऊंचाई बढ़ने से, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। आप पानी से भरे एक बर्तन में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके आसपास अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व तो नष्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जो छड़ होता है वो धन आवेशित हो जाता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। रॉकेट जो होता है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव डॉपलर प्रभाव कहलाते हैं। ठीक है, ध्वनि स्रोत में होने वाले उतार चढ़ाव इसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अगला है, द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत ये निष्कर्ष है। द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये कॉपरनिकस का कथन है। ग्रहों की गति का नियम कैपलर ने ये प्रतिपादित। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं, इसके आगे क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।